नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आशा तिवारी और आप देख रहे हैं इस वक्त हो गया है मुंबई की कुछ खास खबरों का। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी बीजेपी। 25 फरवरी से राज्य सरकार के खिलाफ भाजपा 400 जगहों पर करेगी प्रदर्शन। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने दी जानकारी। संकट में महाराष्ट्र सरकार, सीएनआरसी और एफबीआर अलगाव परिषद की जांच। नए मुंबई पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति जैसे कई मामलों में एनसीपी और शिवसेना में मतभेद। शरद पवार है नाराज। मुंबई के जीएसटी भवन में सोमवार को लगी भीषण आग। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद इसे बुझा लिया गया। हादसे की सूचना मिलते ही डिप्टी सीएम अजीत पवार भी घटनास्थल पर पहुंचे। नारायण में एक किसान पिता ने अपनी बेटी की इच्छा को पूरा करने के लिए उसकी विदाई हेलीकॉप्टर में बैठा कर की। इस शादी में आशीर्वाद देने के लिए कांग्रेस नेता और मंत्री अशोक चव्हाण और उनकी पत्नी अमिता चव्हाण भी पहुंची। अंबरनाथ पश्चिम के आईआईटी परिसर के ब्लू सर्कल केमिकल नामक केमिकल कंपनी के प्लांट में लगी आग। अंबरनाथ फायर ब्रिगेड के जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। एमपी और एनआरसी के मुद्दे पर महाराष्ट्र के लगभग 20 महिला संगठनों ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से की मुलाकात। साथ ही निवेदन किया कि आने वाले विधानसभा सत्र में एमपीआर और एनआरसी को खारिज करते हुए प्रस्ताव पारित करें। बीजेपी की सहयोगी रही और फिलहाल महाराष्ट्र में सत्ता पर काबिज शिवसेना ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा पर केंद्र सरकार की तैयारियों पर कसा तंज। मुख्य पत्र में लिखा, यह तैयारी भारतीयों की गुलामी मानसिकता को प्रदर्शित करती है। महाराष्ट्र पुलिस ने एक नाबालिग छात्रा के यौन उत्पीड़न के आरोप में 55 वर्षीय गिटार टीचर को किया गिरफ्तार। आरोपी पर अपने घर में पीड़िता को संगीत सिखाने के दौरान यौन उत्पीड़न करने का लगाया है आरोप। पुणे की एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हुई साइबर फ्रॉड की शिकार। ई कॉमर्स वेबसाइट से 388 रुपए की नेल पॉलिश की बोतल खरीदने पर 92,446 रुपए का हुआ नुकसान। महिला ने वॉकट पुलिस स्टेशन में इसे लेकर एफआईआर दर्ज करवाई। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। इसी तरह की मुंबई के कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए एचएम न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।